वेलकम टू अंकित टेक्निकल पॉइंट। तो आज है 19 मार्च 2024। तो करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी 19 मार्च 2024 के ही क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुँचती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 16 मार्च, ऑप्शन बी 18 मार्च, ऑप्शन सी 17 मार्च, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 मार्च इज़ द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें एक बार फिर से आप लोगों को इनका रिवीजन करवा दे रहा हूँ। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस एवं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस एवं विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लामिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया, और 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस एवं विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया, और 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। तो मार्च माह में कुल अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन सेकंड, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अब बात जब तमिलनाडु की आई है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगी, चेन्नई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, श्री ए के स्टालिन। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, आर एन रवि। और यहाँ पे कुल डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे, 38। तो ये थी तमिलनाडु से रिलेटेड जानकारी। आगे चलते हैं, इसमें भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिए, एक बार इसको देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए लीगल लानामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। तमिलनाडु महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आगे चलते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर करते चलें जिससे कि और लोगों को सपोर्ट मिलता रहे, और वीडियो को लाइक भी करते चलें। क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में पहली बार Formula 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी गुरुग्राम, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनगर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन फोर, WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है। ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन फाइव, हाल ही में बायरन जेनिस का निधन हुआ है, वे कौन थे। ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी पियानो वादक, ऑप्शन सी पत्रकार, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पियानो वादक इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन सिक्स, हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लाइमी तीय
2024 में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है। ऑप्शन ए सेशेल्स, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी मलेशिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेशेल्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन 7। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए राहुल सिंह, ऑप्शन बी नितिन मिश्रा, ऑप्शन सी टी एम कृष्णा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टी एस कृष्णा इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। नीदरलैंड के एरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमेनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेल यामामोटो ने 2024 प्रत्यजेकर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल जीता है। भारत को खसरा और रोवेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। जोया अख्तर और असमा खान ने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आगे चलते हैं क्वेश्चन 8। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन 9। हाल ही में पोखरा को किस राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास आईवी नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आगे चलेंगे क्वेश्चन 10। हाल ही में कोटक बैंक ने किसे वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन ए संजय कुमार, ऑप्शन बी जयदीप हंसराज, ऑप्शन सी किशोर मकवाना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयदीप हंसराज इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। तो आगे चलेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए, इसको भी एक बार देख लेते हैं। किशोर मकवाना ने NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। श्री AS राजीव को CBC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आगे चलते हैं क्वेश्चन 11। हाल ही में नोटेक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करते चलें जिससे कि और लोगों को सपोर्ट मिलता रहे, और वीडियो को लाइक भी करते चलें। क्वेश्चन 12। हाल ही में ECI ने किस राज्य में मिशन
414 अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अब बात जब हिमाचल प्रदेश की आई है तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? शिमला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? शिव प्रसाद शुक्ल। और यहाँ पे कुल डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, तो ये थी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जानकारी। आगे चलेंगे, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए, एक बार इसको भी देख लेते हैं। 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार के द्वार पहल का अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन 13, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 14, हाल ही में DHL कनेक्टेडेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 15, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना इज द राइट आंसर। तो अब बात जब तेलंगाना की आई है तो तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगी? हैदराबाद। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? ए रेवंता रेड्डी। और जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनका नाम क्या था? डॉक्टर तमिलीसाई सौंदर राजन। और यहाँ पे कुल डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाएंगे? 33। तो ये थी तेलंगाना से रिलेटेड जानकारी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।